कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वे आंखें पाठ पढ़ेंगे जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो आइए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कवि परिचय, अर्थात कवि के संबंध में, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज मैं इस पाठ का जो सारांश वो बताते हुए पाठ को प्रारंभ करूंगा। तो आइए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो सारांश दिया हुआ पहले उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी प्रस्तुत कविता है वे आंखें सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है, और इसमें स्वतंत्रता पूर्ण जो आज़ादी, हमारी आज़ादी का आंदोलन था, अर्थात जो हमें आज़ादी मिली उससे पहले जो किसानों की स्थिति थी, अर्थात किस तरीके से उनका शोषण किया जाता था, किस तरीके से उन पर अत्याचार किए जाते थे, ये सारा उसका जीवंत रूप, उसके साथ ही जो आज किसानों की, क्योंकि यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जब वह लिखी गई थी, यानी इस कविता की प्रासंगिकता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि आज भी हमारा किसान उसी अवस्था में है जैसे वह पहले था। आज किसानों की आत्महत्या आपको किसी न किसी अखबार या न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल ही जाएगा। आप यह कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वे महाजनों के चक्रव्यूह में पड़कर अपना धन दौलत गंवा बैठते हैं, अर्थात महाजन उनका शोषण करते हैं, उन्हें ऊंचे दामों पर कर्ज देते हैं, ऊंचे सूद पर कर्ज देते हैं, और फिर उनको चक्रवृद्धि ब्याज के चक्र में उलझाकर उनका सारा जीवन शोषण करते रहते हैं। किसानों की समस्या से जुड़ी हुई रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में भरी हुई हैं, अर्थात किसानों का किस तरीके से शोषण होता है ये हमें हिंदी की बहुत सारी रचनाओं में देखने को मिलेगा। बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने किसानों की समस्या को उठाया है, किंतु हमारा अन्नदाता आज भी उसी स्थिति में है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। देश आज़ाद हो चुका है फिर भी आज उसकी स्थिति उसी तरह की है, और कहूँ तो बद से बदतर ही है। आज वह आत्महत्या करता है और क्या कहें, जीवन से निराश हो गया है, फिर भी उसने अपना किसान कर्म नहीं छोड़ा है। वह आज भी किसानी का कार्य करता आ रहा है और हमारा पेट, हमारा उदर भरता आ रहा है, लेकिन हम क्या है, उनकी समस्याओं को दूर करने में अक्षम हैं। किस तरह से अक्षम है आप लोग इससे समझ लीजिएगा। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। उनकी जो ये कविता है प्रगतिशील दौर की कविता है, इसमें विकास की जो विरोधाभासी अवधारणाएं हैं उस पर करारा व्यंग किया गया है, उस पर करारा प्रहार किया गया है। क्या जो विकास की विरोधाभासी अवधारणाएं, क्या है वो विरोधाभासी अवधारणाएं? हमारा किसान आज भी उसी अवस्था में है, उसको विकास का कोई लाभ नहीं मिला, देश आज़ाद हो गया लेकिन उसको, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। कहा गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो हर किसी को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, सबकी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। युग युग से शोषण का शिकार हमारा किसान का जीवन कवि को आहत करता है, क्या करता है, कवि को पीड़ित करता है। आप भी अगर जाकर देखें गांवों में कि किसानों सारा दिन मेहनत करने के पश्चात भी, जी तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी, इतना अन्न उगाने के बाद भी उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, अभी भी वो उसी तरह गरीबी और एक तरह से कहा जाए तो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। तो उसको देखकर कवि का हृदय मर्माहत होता है, दुखी होता है।
दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। अर्थात सत्ताएं बदलती रहीं, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन किसी ने भी किसानों की स्थिति को, उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से मिटाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, कोई रुचि नहीं ली। उनके लिए काम किए गए लेकिन वो कागजी स्तर पर ही हुए, जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हो पाया। हम लोग बड़ी बड़ी तो बातें कर लेते हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब सब कर ही लिया है तो किसान आज दुखी क्यों है? अगर कोई आकर आपसे या मुझसे कहे कि हमने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है, तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर हमने सब कुछ कर ही लिया है, उनकी स्थिति ठीक कर दी है, उन्हें बहुत अच्छा जीवन दे दिया है, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान ऋण के बोझ के तले क्यों दबा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर कोई दे सकता है तो देखिए, आखिर इनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? तो हस्तक्षेप नहीं किया, अर्थात जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। यह केवल किसान की नहीं, किसान के परिवार की, उसके समाज की, सबकी सारी परतें खोल कर रख देती है कि किस तरीके से किसान पीड़ित है, उसका परिवार पीड़ित है, किस तरीके से उसका शोषण किया जाता है, कैसे उसको दमित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है। ये सारी बातें हमें इस पाठ में देखने को मिलेंगी। तो आज इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं इस कविता को वे आंखें और समझते हैं आज सारांश। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।